Assalamu alaikum, I'm Dr. Harun Latif. I'm a clinical embryologist at Life IVF Clinic, Amir Latif Hospital, Lahore. हमारी सीरीज है जिसमें हम अपनी सर्विसेज और सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं. आज भी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ पेशेंट हु केम टू अस विद प्राइमरी इनफर्टिलिटी. उनके बच्चे नहीं थे और दो उनकी शादी को सिर्फ अभी 3 साल हुए थे, बट दे वर वेरी कीन टू कंसीव. जिस तरह हमारा कल्चर है, हमारी सोसाइटी है, एट टाइम्स कपल्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि वो कंसीव करना चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके. इस कपल की और दो एज यंग थी, फीमेल वॉज 25 ईयर्स ओल्ड एंड हस्बैंड वॉज 29 ईयर्स ओल्ड, बट एक सिग्निफिकेंट फैक्टर था जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर सकते थे. और आइडियली उनका बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो था वो IVF ही होना था. उनके पास टाइम था कि वो थोड़ा वेट करा के ट्रीटमेंट करा लेते, बट जिस तरह कहा जाता है IVF सर्विसेज के अंदर कि जितने यंगर एज ग्रुप में आप ये ट्रीटमेंट करवाएंगे, अगर IVF इज द ओनली ऑप्शन, उतना ज्यादा सक्सेस रेट बेहतर होगा. तो ये कपल कुछ अर्से पहले हमारे पास आया, नौरीन वाइफ का नाम और अवैस हस्बैंड का नाम. उनके हमने बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके उनके साथ डिस्कस करके डिसाइड किया कि फिर बेस्ट वे फॉरवर्ड जो है वो IVF ट्रीटमेंट ही होगा. दे वेंट थ्रू द ट्रीटमेंट साइकिल ऑफ IVF और वो जिस तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो 6 to 8 weeks का जो पूरा प्रोसेस होता है IVF का, वो उनको ट्रीटमेंट किया गया और फिर उनके एम्ब्रियो फ्रीज करके आफ्टर 2 months गैप हमने ट्रांसफर किया एम्ब्रियो. एंड माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही कंसीव किया और अनइवेंटफुल उनकी थ्रू आउट प्रेगनेंसी रही और माशाल्लाह से अब उनकी एक बेबी गर्ल है which was delivered a normal healthy child. So this is another amazing story for a couple जिनके ऊपर इतना प्रेशर था और बहुत से कंस्ट्रेंट्स थे, बट फिर भी वेंट फॉरवर्ड विद द ट्रीटमेंट और अल्लाह ताला ने उनको सक्सेसफुल किया.